गुड मॉर्निंग, नया दिन नया DIY। तो लास्ट DIY सीरीज के वीडियो में हमने देखा कि एक्सटर्नल TPMS कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके वो वीडियो देखिए, इसकी लिंक कहीं ऊपर आ रही होंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं उस वीडियो के कई सारे रेफरेंस यूज करने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनल जो TPMS होता है वो कैसे यूज करते हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं ओवर द एक्सटर्नल TPMS, कुछ निगेटिव्स भी होते हैं ओवर द एक्सटर्नल TPMS, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं कि उसमें किट में क्या क्या चीज आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा बॉक्स एक्सटर्नल TPMS का, हमने देखा वैसा ही बॉक्स है ये, इसमें भी कुछ बुकलेट्स आपको मिलेंगी और ये जो आपका डिस्प्ले डिवाइस है वो एज इट इज आपको मिलेगा, जो कि एक्सटर्नल में भी मिलता है विद सोलर पैनल और यहाँ पे डिस्प्ले है। और बॉक्स में बाकी मिलते हैं कुछ स्क्रू जो कि आपको ये डिवाइस इंस्टॉल करने में काम आएंगे, एक USB केबल आपका डिवाइस चार्ज करने के लिए। उसके बाद ये जो मेन चीज़ें हैं ये कुछ अलग है, ये है सेंसर TPMS के जो आपके कार के टायर के अंदर लगेंगे और ये चार मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हो फ्रंट लेफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद ये चार वॉल्व मिलते हैं, हाँ आपको वॉल्व भी चेंज करने पड़ेंगे, तो ये चारों वॉल्व भी मिलते हैं, ऐसी सब किट्स यहाँ पे मिलती है। तो ये इंस्टॉल करने के लिए आपको किसी टायर शॉप के पास जाना पड़ेगा जहाँ पे ये टायर निकालेंगे आपकी गाड़ी का। उसके बाद जो आपका रिम है, रिम से टायर आउट करेंगे क्योंकि वॉल हमें चेंज करना है। तो ये हो गया अपना टायर रिम से अलग, और रिम का जो पुराना वॉल है वो काट दिया जाता है ताकि नया वॉल इंस्टॉल कर सके। ये रहा यहाँ पे वॉल बैठता है जो आप देख रहे हो यहाँ पे होल। और अगर आपके गाड़ी में अलॉय व्हील्स लगे हैं तो भी आपको सेम तरीके से यूज़ करना है। तो अभी ये जो डिवाइस है इसको असेंबल करते हैं। देखो डिवाइस के ऊपर वॉल लगाना है और जो स्क्रू दिए है आपके किट में उस किट से इसको अटैच करना है। उसके बाद कैप भी आपको मिलती है इस वॉल के साथ और ये कुछ इस तरह के से आपके रिम को लगेगा। और ऊपर से वाइसर भी मिलता है, वो वाइसर ऊपर से लगा के उसको टाइट करना है कुछ इस तरह के से, उसको टाइट कर देंगे हम। और ध्यान रखिए कि वाइसर ऊपर से ही लगाए, क्योंकि क्या होता है वाइसर अगर आपने गलत लगा दिया तो लीक, एयर लीक होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। तो मेक श्योर कि वाइसर ऊपर से ही लगाए, आप थोड़ा ध्यान रखिए और अच्छे से टाइट कर लीजिए। देखो काफ़ी सिक्योरली टाइट हो गया है ये। अब इसका भी सेम प्रोसेस है, आपको सबसे पहले डिवाइस ऑन कर लेना है बाय प्रेसिंग दिस बटन। और हाँ, आप कोई एक टायर भी इसको लर्न करा सकते हो, ये बटन जो देख रहे हो इसको 8 बार प्रेस करके वो टायर सिलेक्ट हो जाएगा और आप पर्टिकुलर वही टायर इसको लर्न करा सकते हो। तो देखिए मुझे रियर राइट का एक टायर लर्न कराना था, मैं 8 बार प्रेस करके उस टायर पे गया, तो जैसे उसने टायर को पकड़ा मिडल बटन प्रेस करके उसको कन्फर्म कर दिया और ये देखिए आ गया वो टायर लर्न, आप ऐसे भी करा सकते हो। तो ये जो डिवाइस है ये यहाँ पे डैशबोर्ड पे मैंने लगा दिया है, इसका भी सेम फंक्शन है, सेम चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल में हमने देखी थी। यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिखाएगा और टायर प्रेशर दिखाएगा सेल्सियस और PSI में। तो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों TPMS के इंस्टॉलेशन तो आपने देख लिए, लेकिन इनमें से कौन सा आपने यूज करना चाहिए वो तो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक्सटर्नल TPMS इंस्टॉल करना इजी होता है, पर हर बार आपको हवा भरने के लिए उसको खोलना पड़ता है। इंटरनल TPMS हालांकि इंस्टॉल करना मुश्किल होता है, पर हवा भरने के लिए उसमें कोई झंझट नहीं, बस जाओ हवा भर दो, बस इतना ही काम होता है। हाँ, लेकिन उसको इंस्टॉलेशन के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो आपको जो पसंद आए उस हिसाब से आप जा सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सब चीजें पता रहे अगर वो भी कार ओन करते हैं या कहीं रोड ट्रिप पे जाते हैं, क्योंकि ये उनकी लाइफ भी बचा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।